नमस्कार दोस्तों, को फिर से स्वागत करता हूँ हमारे टैगबोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट की वजह से आपका जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल नहीं हो रहा है? क्या आपके चैनल पर एक वही वीडियो वायरल हुई है जिस वीडियो पे रीयूज कंटेंट है, जिसके कारण ना आप उस वीडियो को डिलीट कर सकते हो ना अपने चैनल पर रहने दे सकते हो, क्योंकि आपका जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल नहीं हो रहा है? तो ऐसे में आपको क्या करना है? क्योंकि दोस्तों, मेरे साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ था। जो मेरा चैनल है वो 5 टाइम रिव्यू के बाद फाइनली मॉडरेशन इनेबल हो चुका है। तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम फेस किया, वो ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन बताते हैं जो कि रियलिटी फैक्ट कुछ भी नहीं है, 20% भी सिमिलर नहीं है जो प्रॉब्लम मैं फेस किया था। क्योंकि दोस्तों, सेम इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था। मेरे एक चैनल पे रीयूज कंटेंट था मेरे एक वीडियो पे, और वही वीडियो वायरल हो गया। और उसी वीडियो में जो रीयूज कंटेंट था, जिसके कारण मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल नहीं हुआ। पहले रिव्यू में अप्रूव नहीं हुआ, सेकेंड रिव्यू पर भी अप्रूव नहीं हुआ, थर्ड रिव्यू पर भी अप्रूव नहीं हुआ। तो मैंने कुछ ऐसे ट्रिक्स किया जिसके वजह से मेरा जो मोनेटाइजेशन है रीयूज कंटेंट के बावजूद, मेरा जो चैनल है, चैनल का मोनेटाइजेशन है वो इनेबल हो चुका है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो मैं प्रॉब्लम फेस किया, बहुत सारे के सारे जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपके चैनल अंडर रिव्यू पर है तो भी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, या फिर अगर आपके चैनल अप्रूव नहीं हुआ पहले या फिर सेकेंड रिव्यू पर, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। या फिर अगर आप एक नए यूट्यूबर हो, नए यूट्यूबर में भी हो, पर अगर आपके चैनल अभी तक मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ और आपका जो क्राइटेरिया है वो भी पूरा नहीं है, तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि आगे आपको ज़रूरत पड़ेगा। दोस्तों, मेरा जो चैनल है वो 22 फरवरी को अप्रूव हो चुका है। रात के 2 बजे करीबन ईमेल आया, तो मैं रात को नहीं सुबह देखा कि एक ईमेल आया, जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो चैनल है वो अप्रूव हो गया है। तो अप्रूव होने के बाद इतने ज़्यादा खुशी मिला मुझे, इतना ज़्यादा मतलब मैं बता नहीं सकता। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं कि अगर, क्योंकि मेरा जो चैनल है 6 महीने पहले जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो चुका था। पहले रिव्यू पे नहीं हुआ, सेकंड रिव्यू पे, ऐसे करते करके 5 नंबर रिव्यू पे गया। और एक रिव्यू पे आपको पता ही होगा, अगर आप एक रिव्यू में फेंसते हो, डिसअप्रूव हो जाता है, उसके बाद 1 महीना टाइम लगता है दूसरे रिव्यू पे जाने के लिए। तो दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था कि मेरा चैनल मोनेटाइजेशन होगा ही नहीं शायद। तो मैं ऐसा हो गया था मेरा हालात कि मैं यूट्यूब छोड़ने ही वाला था। तो तभी जो है मेरा चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुका है। तो प्रॉब्लम यह था कि मेरा जो चैनल है उसमें एक ही वीडियो वायरल हुई थी, स्पाई कैमरा के ऊपर मैं एक वीडियो बनाया था, और वो जो वीडियो है बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिला, करीबन 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हुआ। तो 90% जो वॉच टाइम है मुझे उसी वीडियो से मिल गया था, ठीक है। तो मैं ना ही मैं उस वीडियो को डिलीट कर सकता था। मुझे पता है कि इसी वीडियो पे कुछ प्रॉब्लम होंगे। मेरे चैनल पे तब 150 से ऊपर वीडियोस थे जो कि मैं डिलीट करते 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 70 तक आ पहुँचा। और जो वायरल वीडियो थे वो वीडियो तो मैं डिलीट कर ही नहीं सकता, क्योंकि 90% वर्स्ट टाइम उसी वीडियो का था। तो मैं क्या करूँ अभी? मेरे चैनल में जो वीडियो वायरल हुई थी सेम उसी टॉपिक पे मैं दूसरा एक और वीडियो बनाया, और उस जो चैनल का जो मतलब उस वीडियो पे जो मैं टाइटल दी थी या फिर जो टैग यूज़ किया था, डिस्क्रिप्शन जो लिखने का पैटर्न, वो सारे चीज़ मैं उस वीडियो पे ऐड किया। और वो जो न्यू वीडियो है उस वीडियो पर मैंने कोई भी रील्स कंटेंट या फिर कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया। तो हुआ क्या है कि 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर वो जो नया वीडियो था वो भी वायरल हो गया। क्योंकि सिमिलर वीडियो अगर आप बनाओगे, अगर आपके चैनल पर कोई भी वीडियो वायरल हो गया और उस टॉपिक पे अगर आप दूसरे और भी वीडियो बनाते हो, तो आपको 90% चांसेस रहते हैं कि आपको वो वीडियो भी वायरल हो जाए। अगर आपके चैनल पे जो वीडियो वायरल है वो वीडियो इतने स्ट्रिक्ट से चेक करते हैं, मतलब क्या बताओ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक करते हैं। और आपको पता ही है कि यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो मैंने सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई और वो भी वीडियो वायरल हो गया। तो मैंने पुराना जो वीडियो था वो मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद नया वीडियो वो वायरल हो गया। तो वो जो नया वीडियो थे उस वीडियो से जो वॉच टाइम मिला वो एनफ था। तो दोस्तों, सेम टॉपिक के ऊपर दूसरा वीडियो बनाने के बाद जो पुराना वीडियो था वो वीडियो मैंने परमानेंटली डिलीट कर दिया अपने यूट्यूब चैनल से, और जो नया वीडियो था वो भी वायरल हो गया।
तो वो जो नया वीडियो था उस वीडियो से जो वॉच टाइम मिला ग्रेजुएशन के जो क्राइटेरिया है 4000 घंटे का वॉच टाइम उसी वीडियो से आ गया था। दोस्तों यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन इनेबल होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके एक ही वीडियो काफ़ी है। अगर आपके एक वीडियो 1.5 लाख से ऊपर व्यूज़ आ जाए तो आपका जो वॉच टाइम है वो मतलब कंप्लीट हो जाएगा। अगर एवरेज 1 मिनट के ऊपर व्यूज़ रहे तो आपका जो मोनेटाइजेशन है मोनेटाइजेशन के लिए जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट एक ही वीडियो से हो जाएगा। तो आपके पास यही एक रास्ता बचा है। अगर आपके चैनल पे रील्स कंटेंट है और उसी वीडियो वायरल है तो आपको कोई मतलब दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं कि आप डिस्क्रिप्शन चेक करके चेंज करके या फिर आप थंबनेल पे कुछ एडिट वगैरह करके कुछ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। 5 टाइम जो मैंने ये सारा प्रोसेस किया तभी जो है मेरा चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया। तो दोस्तों अभी भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद गाइस।